अजंता महिला मंडल द्वारा मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित हनुमान नगर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजपति यादव और मुंबई कांग्रेस डॉक्टर अजंता यादव द्वारा किया गया है, जहां पर 300 से ज्यादा लोगों का फ्री में हेल्थ चेकअप कराया गया। और साथ ही आपको बता दें कि बरसात की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर अजंता यादव द्वारा फ्री में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वही इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा डॉक्टर अजंता यादव और साथ ही राजपति यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे हनुमान नगर में ज्ञानराय गढ़वाल में आज मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है, जो अजंता महिला मंडल अपेक्स हॉस्पिटल एकता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे डॉक्टर की टीम बैठी है, ये डॉक्टर की टीम लोगों का चेकअप कर रही है, ब्लड प्रेशर, ब्लड चेकअप हो रहा है, डायबिटीज़ का चेकअप हो रहा है, सारे पेशेंट्स आए हुए हैं। आप देख रहे हो कि पेशेंट्स की लाइन खुली हुई है और इसके बाद ये यहाँ पे आई चेकअप हो रहा है और ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटी जो यहाँ हो रही है ये फ्री है। इसके अलावा आगे आप चलोगे तो ECG का भी आयोजन किया गया है, ECG का आयोजन हुआ है जहाँ पे ECG हो रहा है, जो कि कार्डियक पेशेंट्स हैं वो यहाँ डायग्नोस हो रहे हैं। डायग्नोस होने के बाद जो राजीव गांधी जीवनदाय योजना है उसके अंतर्गत जो भी इलाज होना है वो हम फ्री करा रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि जिसके ECG हो रहा है बोलिए, फीमेल ही नहीं, हाँ यहाँ पे ECG हो रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे ECG हो रहा है और ये ECG यहाँ पे फ्री हो रहा है। और हर पेशेंट जो 40 इयर्स के अभाव है उसका कंपलसरी हम लोग ECG चेकअप करा रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि यंग लोगों को अटैक आ रहा है और जाने चली जा रही हैं, और उसका रीज़न भी आपको सभी को पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन को इतनी जल्दी बिना एक्सपेरिमेंट किए लगाया है, आज उसी का नतीजा है कि बहुत सारे युवाएँ बिल्कुल एक ही कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। ये वैक्सीन का भी एक कमाल है जो गलत जगह से और गलत टाइम पे उन्होंने बिना एक्सपेरिमेंट करके दिया, लेकिन इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे लोग सतर्क रहें, इसलिए ये ECG निकाला जा रहा है। ECG के बाद जो भी लोगों को अगर ECG के द्वारा पता चलता है कि ये कार्डियक पेशेंट है तो हम राजीव गांधी जीवनदाय योजना के अंतर्गत अपेक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज फ्री करवाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मेडिकल कैंप हमेशा हमारे हनुमान नगर में करते हैं, और अब जून का महीना है, मानसून आ गए हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ मानसून कैंप भी है जिसमें फीवर, वायरल फीवर, इसका भी इलाज होगा। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से अपनी लाइफ जिए। थैंक यू। आज ये मेडिकल कैंप अजंता महिला मंडल और एकता चैरिटेबल ट्रस्ट अपेक्स हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पे किया गया। बरसात का मौसम आ रहा है और लोग गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, अनेक प्रकार से वायरल फीवर वगैरह चल रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ पर सभी लोगों का चेकअप ECG और मेडिसिन दे रहे हैं और आपके नंबर का भी फोन चेकअप कर रहे हैं, ब्लड चेकअप कर रहे हैं, शुगर, हीमोग्लोबिन, जो रूटीन चेकअप होते हैं सारे चेकअप यहाँ पे मुफ्त में किया जा रहा है अजंता महिला मंडल के द्वारा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अपेक्स हॉस्पिटल के अंतर्गत राजीव गांधी जीवनदाय योजना, जो अब महात्मा फुले जीवनदाय योजना होती है, उसके अंदर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, नी रिप्लेसमेंट, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनका इलाज जिसको तकलीफ होगा वो डॉक्टर अजंता यादव से संपर्क करें, उनके द्वारा यहाँ पे जहाँ पे भी कोई सुविधा रहेगी अपेक्स हॉस्पिटल के अंतर्गत उस सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे कराया जाएगा। और ये पूरा सलम बस्ती है, बरसात का मौसम आ रहा है, गर्मी अपने चरम पे है और ये सब चीज़ों को ध्यान रख करके यहाँ पे मेडिकल कैंप का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। और आप लोग देख रहे हो कि कितनी लंबी लाइन लगी है,
और इस लाइन के अंतर्गत फिर से बता रहा हूँ, फ्री ECG है, फ्री चेकअप है, फ्री ब्लड चेकअप है, जिसके अंदर शुगर है, हीमोग्लोबिन है, कैल्शियम है, जो सारे रूटीन चेकअप बोलते हैं सारे चेकअप किया जाए, और चश्मा का नंबर फ्री चेकअप किया जाए, और इस सब में अगर किसी को कोई तकलीफ निकली तो उसका भी इलाज जो योजनाएँ हैं उस योजना के अंतर्गत अजंता यादव से मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करूँगा कि अजंता यादव से संपर्क करें, वो सबका इलाज कराए। बारे में नरेंद्र मोदी जी समर्थ देने वाले एक अच्छी बात है, तीसरी बात जो 400 का उनका आंकड़ा था वो शुरू हो गया है, हमारी उनको हार्दिक शुभेच्छा है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जो एजेंसियों का दुरुपयोग करते थे उन एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करेंगे, इससे मुझे आशा विश्वास है, क्योंकि मेरी जो सरकार है जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन मैं इसके कहूँगा इस देश में जो भाईचारा है उस भाईचारा को आगे बढ़ाएं, जो विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, डेवलपमेंट की बात है, उस पर आप बात करेंगे, इसी मुझे आशा और अपेक्षा है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में इस मुंबई शहर को कुछ भी नहीं दिया, जो एक एजुकेशन के मामले में कुछ भी नहीं दिया, हेल्थ के मामले में कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो हॉस्पिटल है चाहे जे हो, चाहे सायन हो, चाहे केम हो, चाहे नायर हॉस्पिटल, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वही है, आज आईसीयू के लिए लोगों को तकलीफ है, और उन्होंने उसके बारे में स्पेशल फंडिंग दिया, 3 साल से महानगर पालिका नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मुंबई शहर के लिए, हेल्थ के लिए विशेष प्रावधान करें, और उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर।